नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। चलन से बाहर हुए नोट रखने पर लगेगा जुर्माना, सजा का भी प्रावधान। चलन से बाहर किए गए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट रखने वालों पर अब जुर्माना लगेगा, उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस तरह के प्रावधान वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई। इसमें निर्धारित तिथि के बाद 500 और 1000 रुपए के अमान्य नोट रखने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। रिजर्व बैंक कानून में संशोधन वाले एक अन्य अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें अमान्य किए गए इन नोटों के दायित्व से सरकार और केंद्रीय बैंक को मुक्त किया गया है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके। आधिकारिक सूत्रों ने अध्यादेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि दंड का यह प्रावधान किस तिथि के बाद लागू होगा। सरकार ने 500 1000 रुपए के अमान्य नोटों को बैंकों में जमा करने के लिए 50 दिन की समय सीमा तय की थी। यह समय 30 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि एक घोषणा पत्र के साथ 31 मार्च तक इन नोटों को रिजर्व बैंक के विशिष्ट कार्यालयों में जमा कराया जा सकेगा। अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार 10 से अधिक अमान्य नोट रखने पर वित्तीय जुर्माना लग सकता है और कुछ मामलों में 4 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने 8 नवंबर की मध्य रात्रि से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को अमान्य घोषित कर दिया था। ऐसे नोटों को नए नोटों से बदलने अथवा बैंक डाकघर खातों में जमा करने को कहा गया था। सरकार ने हालांकि नोट बदलने की सुविधा को तो कुछ समय बाद वापस ले लिया, लेकिन पुराने नोट बैंक और डाकघर खातों में जमा कराने के लिए शुक्रवार 30 दिसंबर तक का समय है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल की बड़ी भूल, पूर्व सीएम की जगह वर्तमान मुख्यमंत्री का बता दिया निधन। वायुसेना प्रमुख राहा ने कहा सेना को कम से कम 200 लड़ाकू विमानों की जरूरत। भाजपा का राहुल पर हमला, कहा राहुल का हुआ केजरीवालीकरण, संपर्क के घोटालों का मोटा माल किसने खाया। यूपी के मऊ में आयकर विभाग के छापे से पेंशनर को पता चला कि उसके खाते में है 15 लाख रुपए। उत्तरी सीरिया में आईएस के 44 आतंकवादी मारे गए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।